जो बारह जिले से है जहां पर कोटा रोड एन 27 के ऊपर आप सभी बोले दू की एक कार डिवाइडर से जाकर के टकरा गई, जिसके अंदर कार के अंदर भीषण आग लग गई और इसी आग के चलते हुए दो लोग तो जिंदा जल गए और साथ ही आप सभी बता दो कि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के पीछे कारण क्या है और कौन कौन इसमें मरते हुए नजर आए हैं, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट से। कोटा रोड एन 27 पर गजनपुरा के पास में चलती कार डिवाइडर से टकरा गई। कार डिवाइडर से टकराने से कार में आग लग गई और कार में सवार दो जने जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि कार सवार कोटा से बारा की ओर जा रहे थे और कार में सवार दो साल का बच्चा सहित दो जने जिंदा जल चुके हैं। दो लोग गंभीर हालत में वहाँ मौजूद लोगों ने बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कहा जा रहा है कि इस भीषण हादसे में चाचा भतीजा जिंदा जल गए और एक महिला व अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।